नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पौड़ी पहुंचकर किया समर्थन। उत्तरकाशी के बटकोट में बड़ा हादसा, चालक सहित 7 लोग घायल। राजधानी में भाजपा का रोड शो, दिखी सीएम की लोकप्रियता की झलक। रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की खुदकुशी, मामले की जांच पर जुटी पुलिस। ऋषिकेश के निम बीच और साई घाट पर नहाते समय गंगा में बहे 2 युवक, एसटीएफ की टीम कर रही तलाश। अब खबर विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार 26 मार्च को पौड़ी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन किया। इस मौके पर अनिल बलूनी से साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले अनिल बलूनी ने केंद्र राज्य के बड़े नेताओं के साथ पौड़ी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनका रोड शो रामलीला मैदान पौड़ी गढ़वाल से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक निकला। वही बटकोट तहसील क्षेत्र के मोल्डा खांसी मोटर मार्ग पर रात्रि को एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें खांसी गांव के ग्रामीणों व पुलिस की मदद से बटकोट सीएचसी लाया गया। इनमें से एक को ज्यादा चोट लगने से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह नामांकन कराने पहुंची, जहां उनके साथ नामांकन रैली में सीएम धामी, वरिष्ठ नेता सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता की एक झलक देखने को मिली। रुद्रपुर शहर क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली है। आनंद फानंद में परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वह युवक की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। ऋषिकेश के निम बीच और साई घाट पर नहाते समय 2 युवक गंगा में बह गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि दोनों युवकों की तलाश गंगा नदी में की जा रही है। साई घाट पर डूबने वाले युवक का नाम निखिल निवासी भटिंडा है, जबकि निम बीच पर डूबने वाले युवक का नाम अक्षय निवासी करनाल बताया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर मौलाना पर भरोसा जताया है। बसपा ने धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और निर्दलीय उमेश कुमार शर्मा के मुकाबले पूर्व विधायक हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी को चुनाव मैदान में उतारा है। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह, गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा ने नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम धामी प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे। हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत अपने पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वीरेंद्र रावत अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ वीरेंद्र रावत को जरूर मिलेगा। हल्द्वानी में गर्मियों में होने वाली पेयजल की किल्लत को देखते हुए पेयजल विभाग अभी से ठोस कदम उठाने जा रहा है। आलम यह है कि शहर की डिमांड के अनुसार जल संस्थान पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। हल्द्वानी शहर में अभी 7 एमएलडी के लगभग पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि डिमांड 80 से 82 एमएलडी रोजाना की है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। भावना पांडे बीती 22 मार्च को बसपा में शामिल हुई थी। उसी दिन उन्हें हरिद्वार सीट से बसपा का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि सोमवार को वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिली थी, जिसके बाद आज उन्होंने बसपा से त्यागपत्र दे दिया। वहीं बताया जा रहा है कि वे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा का दामन थामेंगी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।